करो। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है, और इस तरह से आप गेस्ट को सर्व करो। गेस्ट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बोलेंगे वाह कितनी अच्छी रेसिपी है, हमें भी सिखाओ। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधिकास किचन में। डियर फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने वाले हैं दही भल्ले, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए आपके सामने एक बाउल दिख रहा है, इसमें हम एक कटोरी भरकर उड़द की दाल लिए थे, ठीक है, और इस कटोरी से आधा से भी थोड़ा कम मूंग की दाल, ओके, जिसको हम 2 घंटे के लिए एक साथ पानी में डालकर भिगो दिए थे। ओके, अब ये भिगो के हमने पानी निकाल लिया है, ये सामने आपके ये पूरा फूला हुआ है, फूलकर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए आप 1 घंटे में भी वो भीग जाता है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें बहुत हल्का सा नमक डालूंगी, वाइट वाला जो हम खाने में डालते हैं, ओके, ध्यान रहे, मैं इससे थोड़ा और कम कर देती हूँ, मैं पूरा ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अब हम बाद में काला नमक ऐड करेंगे इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी है, और इस पानी के सहारे, और अभी और ये पानी छोड़ेगा, हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम उसमें कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे, फिर उसे फेटेंगे, फिर हम उसको आपको आगे दिखाते हैं फिर क्या करना है। बहुत ही मैं इजी तरीका बता रही हूँ कि अगर आपके घर में गेस्ट आ जाए तो 2 घंटे के अंदर आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। अगर आप दही पहले से जमाए हो तो फटाफट तैयार हो जाएगा, और नहीं तो दही फिर रेडीमेड ले लीजिए अगर गेस्ट आ गए हैं अचानक से तो। बाकी की चीज़ें तो बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो मैं अभी आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, 2 चुटकी यहाँ पर है हींग पाउडर, देखिए पतंजलि का हींग है, अच्छा होता है, ओके, ये हमने डाल दिया। अब मैं डालूँगी इसमें 1/2 चम्मच काला नमक। ये सब डालने से क्या है, ये भल्ला जब तैयार होता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब इसके बाद जो वाइट सॉल्ट है, मैंने थोड़ा कम डाला था, इसके लिए मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, आप शुरू में ही डाल दीजिएगा तो अच्छा रहता है। फिर अब हम डालेंगे चुटकी से भी ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए आप 3-4 चुटकी, ये हमारा जीरा पाउडर रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या ऐड किया है एक बार बता देती हूँ। जीरा पाउडर, वाइट नमक, रेड मिर्ची, काली मिर्च, काला नमक, ओके, और वाइट नमक, इतना सब कुछ हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको फेटेंगे अच्छे से एक ही दिशा में, ध्यान रहे, ये देखिए इसको बहुत देर तक नहीं, आप घड़ी देख लीजिए, सिर्फ ये 2 मिनट में तैयार हो जाता है, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। और ये इजी तरीका देखो, आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार आप ऐसा भी बनाकर ट्राई करिए, फटाफट आप हाथ से फेंटना चालू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। और इसको चेक कैसे करते हैं कि हमारा ये बैटर तैयार हो गया है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। अगर आप थक जाओ तो रुक जाइए, क्योंकि मेरा भी हाथ दुखने लगा, ये बहुत ज़्यादा है, ओके। फिर से इसमें और कुछ नहीं मिक्स करना है, जितना चीज़ मैंने आपको डाल के बताया बस वही मिक्स करना है। ये देखिए कितना फ्लफी हो रहा है, चेक कर लेते हैं। ये लीजिए 1 कटोरी पानी। अब हम इस कटोरी पानी में थोड़ा सा डालकर देखेंगे, अगर ये ऊपर आ जा रहा है, पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा, तो समझ लीजिए तैयार हो गया। एक ही दिशा में इसको, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने ये ऊपर आ गया, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ऊपर फ्लोट कर रहा है ना, इसका मतलब हमारा ये बैटर अब फ्राई करने के लिए तैयार हो चुका है। तो 2 मिनट से भी कम लगा, आप देख सकते हो 2 मिनट लगा होगा, ओके। चलिए हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पानी ले ली है, करीब 1 लीटर तक का पानी हमने एक बड़े से बर्तन में रख ली है। अब मैं इसमें डालूँगी, इसमें थोड़ा 1/2 चम्मच मैं डालूँगी जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ये जीरा पाउडर है, और मैं इसमें 1/2 ही चम्मच डालूँगी काला नमक, ठीक है। इसके बाद ये पानी
का क्या करना है मैं बता रही हूँ। जो मैं भल्ले फ्राई करूँगी सब इसमें डालती जाऊँगी, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने अभी कढ़ाई से एक निकाला, मतलब एक सिंगल नहीं, एक बार कढ़ाई में जितना डाला गया है फ्राई करने के बाद सब इसमें डालेंगे। इसके बाद जब दूसरे की बारी आएगी डालने के लिए, दूसरी बार डालने की बारी आएगी तो पहला वाला जो था वो सब हम निकाल कर उसको पूरा निचोड़ कर दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ओके, तो मैं आपको इसलिए पहले ही दिखा दे रही हूँ कि हमारा कैमरे का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए मैं फ्राई करती हूँ, फिर आपको एक बार दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसे चम्मच से एक बार देख लीजिए, ये एक एक चम्मच मैं लेकर इसमें धीरे धीरे डालूंगी। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल हो तो हाथ में पानी लगाकर आप डालोगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये तैयार है कि नहीं। हाँ, तेल हमारा गर्म हो चुका है। धीरे धीरे हम एक एक भल्ले डाल देंगे। ये देखिए, आपको छोटा साइज चाहिए तो आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लीजिए। और एक बार आप ट्राई करो, आप इस तरह से बनाओ, ये दही भल्ला बहुत जल्दी तैयार होता है और ऊपर से खाने में तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि मैंने इसका सब कुछ इसमें भी मिक्स किया है, भल्ले में भी, ऐसा नहीं कि बस दही में ही सब कुछ रहे, ऊपर से अलग से भी ये भल्ला अच्छा लगना चाहिए। तो इतना मैंने डाल दिया है, अब मैं थोड़ा देखती हूँ इसको। अब हम इसको अभी तुरंत नहीं इसको देखेंगे, बस हल्का हल्का तेल ऐसे घुमा देंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम छूने की कोशिश करेंगे। जो अगर चिपका है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो अपने आप छोड़ देगा इसमें से। ये भी थोड़ा देर हम इसे छोड़ेंगे, अपने आप ये कढ़ाई में से ऊपर आ जाएगा। तेल हम ऊपर करते जाएंगे। ये देखिए, अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो करेंगे, मीडियम करेंगे, क्योंकि भल्ले बड़े हैं और ये टाइम लेगा पकने में, हमें इसे जलाना नहीं है। एक एक करके सब अपने आप छोड़ देंगे, ये कढ़ाई में से निकल जाएंगे अपने आप। फिर हम गैस को मीडियम करके अच्छे से इसको पकाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो आप थोड़ा कम कम डालिए। इस तरह से ऐसे ही करके हम सारे भल्ले निकाल लेंगे। फिर निकालने के बाद जो पानी मैंने तैयार की है उस पानी में हमें इसे डाल देना है। इसको थोड़ा देर अच्छे से पकने देंगे। गैस का फ्लेम स्लो है, अब ये थोड़ा देर अच्छे से पकेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये भल्ले तैयार हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। देखिए कितने मस्त बड़े बड़े फूल गए हैं। अगर आपको साइज़ छोटा पसंद है तो आप छोटा बनाइए, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि जैसा बनाया जाता है बस वैसा ही बनाना है। जो हमें जैसा शेप अच्छा लगेगा हम वैसा बनाएंगे, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बनाइए। हम यहाँ पर एक बर्तन में इसे निकाल लिए हैं, देखिए तो अभी इतना प्यारा लग रहा है, ठीक है। एक बर्तन हमने निकाल लिया है, तब तक मैं इसमें दूसरा डाल देती हूँ, उसके बाद में इसे पानी में डालकर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैं इस बार थोड़ा छोटा ट्राई कर रही हूँ, ओके। मुझे थोड़े बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, दही भल्ले जब गेस्ट को सर्व करो तो थोड़ा दिखना भी चाहिए ना, अच्छा लगता है, ओके। ये देखिए, इस तरह से आप पूरे भल्ले निकाल लोगे। ये फिलहाल सब उसी साइज के बना रही हूँ। आराम से, आपको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको यहीं पर दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने पानी में काला नमक और जीरा मिलाया था, भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, ध्यान रहे, ठीक है। अब ये थोड़ा देर इसमें रहेगा, ओके। फिर मैं आपको इसको छान के निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से आप सारे भल्लों को बनाकर डालते जाओगे, फिर निकालते जाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे भल्ले फूलकर तैयार हो चुके हैं। बड़े वाले भल्लों को आधा घंटा भीगने में टाइम लगता है
और हमने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे साइज़ भी बना दिए हैं, क्योंकि देखिए जब आप सर्व करोगे तो दो भल्लों के साथ साथ छोटे छोटे भल्ले भी रहेंगे, तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है वो कि खाने वाला भी सोचेगा क्या कैसा ही बनाया गया है। मैं एक भल्ला आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि ये पानी बहुत सोख कर लिया है। देखिए इसके अंदर पानी निकल रहा है। अब देखिए मैं इसको बिगाड़ देती हूँ आपको दिखाने के लिए कितना स्पंजी है। देखिए पूरा जाली जाली बन गया है। ओके, इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे। और देखिए रुकिए, और ये हमारे छोटे वाले तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये पूरा पानी सोख लेता है। देखिए इन सबको हम क्या करेंगे, छोटे वाले जो हैं इनको हम सब कुछ थोड़े थोड़े साथ में लेकर ऐसे हल्के हाथ से पानी को ऐसे निचोड़ देंगे, ठीक है। फिर आराम से ये हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ऐसे करके हम सारे भल्लों को ऐसे ही, बड़े वाले भल्लों को ऐसे हल्के हल्के हाथ से इसका पानी निकाल निकाल कर हम सब अलग बर्तन में रख लेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि हम ऐसे नहीं सर्व करने वाले हैं कि प्लेट में पहले भल्ले रख दिए इसके ऊपर से दही गिराए, ऐसे नहीं। अगर आपको गेस्ट को देना है तो आधा घंटा पहले ही इन भल्लों को आप दही में, पहले से आधा घंटा तक दही के अंदर भी इसे सोख होना चाहिए, तब इसका खाने का मज़ा कुछ और है। मैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ली है आधा किलो दही, ठीक है। एक किलो दही हमने जमाई है, लेकिन हमने यहाँ पे फिलहाल आधा किलो दही ली है आपको दिखाने के लिए, और आधी कटोरी इसमें है शक्कर। और इसे हमें बहुत ज़्यादा, इसको ये नहीं कि आप मिक्सर में डाल दो या कुछ ऐसा जूसर वगैरह कुछ चला दो, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। आपको इसको बस आराम आराम से इसको मिक्स कर देना है, और इसको थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेल्ट होने के बाद हम ये जो हमारे भल्ले हैं और ये जो छोटे वाले हैं, ये सब हम इसके अंदर डालकर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा तक जब ये इसमें दही की खटास और मिठास सोख कर लेगी, फिर मैं आपको निकाल कर सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आधा घंटा हो चुका है, ये पूरे भल्ले अच्छे से दही की मिठास और खटास को सोख कर चुके हैं। अब मैं आपको एक अलग कटोरी में निकाल कर दिखाती हूँ कि किस तरह से गेस्ट के सामने हम इसको सर्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम निकालना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने भल्लों को निकाल लिया है। अब मैं इसमें एक एक चीज़ें मिक्स करूँगी, आप देखते जाइएगा। सबसे पहले मैं धनिया और पुदीने की चटनी डालूँगी, इसको गार्निश करेंगे, और इसका टेस्ट जाकर बहुत मिक्स जब होता है तो बहुत यमी लगता है, बहुत ज़्यादा लजीज लगता है। फ्रेंड्स यकीन मानिए आप एक बार ऐसा ट्राई करो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत कुछ ट्राई किया है लेकिन एक बार ये भी ट्राई कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर काला नमक। ये देखिए काला नमक हमने डाल दिया है, अच्छे से डालिए सब में फटाफट। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे अभी दिखाती हूँ। ये हो गया काला नमक। अब हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पीस कर, ओके रख लिया गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा पाउडर। ये सब जाने के बाद इसका टेस्ट तो गजब का होता है। इसमें आप चुटकी भर अजवाइन का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अजवाइन का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता है, पर ये बहुत बहुत ज़्यादा सबको टेस्टी लगता है, आप डाल सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा तो हमने धनिया की चटनी डाली, धनिया और पुदीना, अब हम थोड़ा थोड़ा ये इमली की चटनी डालेंगे, इमली और खजूर। अगर आपके पास इंस्टेंट नहीं है ये सब गार्निश करने के लिए, तो आप क्या काम करोगे, फटाफट टोमेटो सॉस हल्का हल्का इस पर गिरा दो, या रेड चिली सॉस गिरा दो, गेस्ट को पता नहीं चलेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम रेड चिली पाउडर भी डालेंगे, ये देखिए वाओ एकदम मुँह में पानी आ गया है, क्या गजब का टेस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप ऐसे भी एक बार ट्राई करो और बनाओ और बताओ कि कैसा है ऐसा दही भल्ला। आप एक बार ऐसा ट्राई करो, मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है, और इस तरह से आप गेस्ट को सर्व करो, गेस्ट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बोलेंगे वाह कितनी अच्छी रेसिपी है, हमें भी सिखाओ। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।